नमस्कार दोस्तों, तो आज हम चलते हैं बामी मछली बनाएंगे, तो चलते हैं बामी मछली लाने। दोस्तों, हम बामी मछली पकड़ के ले आए हैं, तो इसमें हम बैंगन मिक्स करके बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे, तो चलते हैं हम बैंगन लाने। दोस्तों, चूहा खाने के लिए हम उसी ऐसी तरह रख देते हैं, जो चूहा नहीं खाएगा तो आज बैंगन मिक्स करेंगे। दोस्तों, हम बैंगन ले आए हैं, तो मछली बनाना स्टार्ट करते हैं बामी मछली। दोस्तों, तो मिट्टी लगा हुआ है, इसको हम पहले पानी से साफ कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम साफ कर लिए हैं। तो बामी मछली के हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसको मुंगरी से पीट देते हैं, तब बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग का गांव देहात में ऐसा ही बना करता है, पीट करके बहुत स्वादिष्ट बनेगा। दोस्तों, बामी मछली को तो हम अच्छा तरह से पीट लिए हैं, तब इसको पहले धो लेते हैं पानी में, साफ हो जाएगा तो हम पीस काट लेंगे छोटा छोटा में। पहले साफ से धो लेते हैं अच्छी तरह से, थाली में रख देते हैं। दोस्तों, हम अच्छी तरह से तो धो लिए हैं, तो दोस्तों हम इसको पीस बनाना स्टार्ट करते हैं। घास खाया हुआ हम ये सब निकाल देते हैं साफ से। इसको मूड़ी काट करके हटा देते हैं। अच्छी तरह से सबको हम साफ कर लिए हैं, तब पानी से हम धो लेते हैं। दोस्तों, तो हम सब टुकड़े में काट लिए हैं, तो अच्छी तरह से हम धो लेते हैं। दोस्तों, दो पानी सारा धो लेंगे, अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। दोस्तों, बामी मछली के हम अच्छी तरह से धो लिए हैं, तो इसके लिए हम मसाला लाने जाते हैं। दोस्तों, बामी मछली के लिए हम मसाला ले लिए हैं, तो ये धनिया है, लाल मिर्चाई है, ये लहसुन है, गोलमरीच है, पीला सरचो है, जीला है, ये हल्दी है, ये धनिया पत्ता है। तो चलिए हम मसाला पीस लेते हैं सिलौटी पर। हम सबसे पहले पत्थर धो लेते हैं। हम सबसे पहले लहसुन पीस लेते हैं। Thank you.
लहसुन पेस्ट पीस लिए हैं तो इसको उठा लेते हैं। बारी बारी से हम सब पीस लेते हैं, पहले हल्दी पीस लेते हैं, पीला सरसों पीसेंगे। हल्दी हम पीस लिए हैं तब इसको उठा लेते हैं। दोस्तों तो हम बारी बारी से हम सब एक ही साथ पीस लेते हैं, बारी बारी से हाथ दुखा जाता है पीसने में। दोस्तों हम सब साथ ही मसाला पीस लिए हैं तो अब उठा लेते हैं। हो गया पीसा हुआ। दोस्तों बामी मछली में हम बैंगन मिक्स करके बनाएंगे तो पहले बैंगन काट लेते हैं, कढ़ाई में पहले धो लेते हैं। दोस्तों हम पहले धो लिए हैं तो अब इसको धोएंगे नहीं, पहले अब काट लेते हैं धो करके। दोस्तों हम बसारी बैंगन काट लिए हैं अच्छी तरह से धो के। दोस्तों तो बामी मछली के लिए हम सब कुछ तैयार कर लिए हैं, तो चलिए हम अब चूल्हा धराते हैं। दोस्तों हम चूल्हा धरा लिए हैं तो हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया तो हम बैंगन फ्राई करने के लिए सरसों तेल डालते हैं। दोस्तों तो हम तेल धीप गया है तो बैंगन फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों हमारा गांव देहात का यही मैंने मिक्सर करके सब करता है, तो आप लोग का कैसा लगता है तो हमको कमेंट में बताइएगा। तो इसको देखने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बैंगन फ्राई हो गया है तो इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। अब बामी मछली हम फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों बामी मछली में हल्दी मिला देते हैं, लहसुन मिला देते हैं तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बामी मछली फ्राई करने के लिए हम सरसों तेल डाल देते हैं। बामी मछली फ्राई करने के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। बामी मछली को हम भूज लिए हैं अच्छी तरह से तो हम इसको निकाल लेते हैं। मछली बनाने के लिए हम मसाला तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम सरसों तेल डाल देते हैं, पीला सरसों डाल देते हैं। मसाला फ्राई हम कर लेते हैं। दोस्तों मसाला तो भुजा गया है, इसमें हम नमक डाल देते हैं। दोस्तों मसाला तो हम भूज दिए हैं अच्छी तरह से, हम पानी डाल देते हैं। दोस्तों तो मसाला पक गया है तो इसमें हम डाल देते हैं, बैंगन फ्राई भी डाल देते हैं। दोस्तों तो हमारा सब पक कर के तैयारी हो गया तो इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, धनिया पत्ता भी डाल देते हैं।
दोस्तों तो हमारा मछली बन के तैयार हो गया था, इसको हम उतार लेते हैं। दोस्तों हम मछली बना कर के तैयारी कर लिए हैं, साथ में चावल बना लिए हैं, तब लोगों को खिलाते हैं। चावल परोस लिए हैं तो साथ में अब मछली परोस देते हैं। भाभी मछली सुपर। दोस्तों भाभी मछली तो सुपर है, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।